भूतनाथ पुल को लेकर गर्जी किसान सभा, कहा लोक निर्माण विभाग ने बरती लापरवाही। जिला कुल्लू के मुख्यालय सरवरी के भूतनाथ पुल की दुर्दशा को लेकर हिमाचल किसान सभा उग्र हो गई है। हिमाचल किसान सभा ने इस पूरे प्रकरण में लोक निर्माण विभाग के लापरवाही को दर्शाया है और कहा है कि अब मरम्मत के नाम पर भी जनता को लोक निर्माण विभाग सिर्फ झूठे आश्वासन दे रहा है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में लोक निर्माण विभाग के कार्यालय के बाहर हिमाचल किसान सभा के सदस्यों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। भूतनाथ पुल के कारण आम जनता को परेशानी हो रही है। हिमाचल किसान सभा ने एक बार फिर प्रदेश सरकार से आग्रह किया है वे इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करें। आम जनता के हित में इसे जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। जहां तक भूतनाथ के पुल का सवाल है, किसान सभा ने 2019 में भी जो है बड़े पैमाने पर जो है एक प्रदर्शन किया था, रैली भी निकाली थी उसके मामले में, परंतु जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उसने उसको अनदेखा किया है। परंतु किसान सभा ये बात मानकर चलती है कि आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर जो है एससी साहब का पीडब्ल्यूडी विभाग एससी साहब का जो है वो घेराव किया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में कुछ ऐसा भी लगता है कि प्रदेश के अंदर जो परिस्थितियां हैं वो कुछ बिगड़ भी रही है कोरोना के कारण। इसीलिए हम लोगों ने विभाग को अल्टीमेटम दिया है कि अप्रैल माह में बड़े पैमाने पर जो है इसको इसका घेराव किया जाएगा और अपनी मांगों को हम लोग बड़े पैमाने पर जो है वो सरकार के सामने रखेंगे, ताकि लोगों को जो है इस पुल के निर्माण के बाद जो है जो मुश्किलों का सामना कर रहा पड़ रहा था उसका जो है समाधान जो है वो निकल सके। जो लंबे समय की बात है उसमें ये देखा गया है कि जो प्रदेश सरकार है वो इसके लिए जिम्मेदार है, और मेरा मानना है कि जिले का जो प्रशासन है या अधिकारीगण है वो इसके लिए बड़े पैमाने पर जिम्मेदार है, जिन्होंने लोगों की जो मांगे हैं उनको अनदेखा किया। निजीकरण के साथ ये है कि देश के अंदर जैसे हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी डिग्रियां जो है वो हासिल कर रहे हैं, परंतु उनको रोजगार जो है वो उपलब्ध नहीं हो रहा है। अगर सरकार उनको रोजगार देती भी है तो या तो वो आउटसोर्स होता है या फिर उनको रेगुलर जो है अपॉइंटमेंट नहीं दी जाती है, जिसके कारण जो नौजवान पीढ़ी है उसमें बड़े पैमाने पर जो है निराशा झलक रही है। जहां तक भुंतर वैली ब्रिज का सवाल है, मुझे लगता है कि वो उसके लिए लगभग जो है 25-30 साल हो गए हैं जो सिंगल वे है अभी तक, और समय समय पर जो है जब सीजन चलता है, खास करके जब किसानों का सीजन, सेब का सीजन चलता है, सब्जियों का सीजन चलता है, तो उसमें जो है बहुत बड़ी समस्या जो है लोगों को आती है। या जब टूरिज्म चलता है, जैसे नए साल का के उपलक्ष्य पर लोग आते हैं या 25 दिसंबर को आते हैं, तो उसमें भी जो है आम लोगों को जो है बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और देखने में ये भी भुंतर में आया है कि जो स्कूल टाइमिंग है वहाँ पे, उसमें बड़ी मात्रा में जो है स्कूल के बच्चे जो है उधर से गुजरते हैं, तो उनके लिए भी जो है जान का खतरा जो है कभी भी हो सकता है। हिमाचल किसान सभा कुल्लू ब्लॉक के अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने कहा कि इस मामले को लेकर कई बार कई संस्थाओं के द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया। सरकार और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हर बार जनता को मात्र झूठे आश्वासन देते रहे, लेकिन इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल किसान सभा ने मामले में अपना रोष व्यक्त किया, वहीं सरकार से मांग रखी है कि जल्द से जल्द इस पुल की हालत को सुधारा जाए ताकि घाटी की जनता को राहत मिल सके। कुल्लू से रवि कुमार की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी।